हेलो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग देखिए, आज मेरे पास J5 2016 का एक फ़ोन है, J5 6। तो आप लोगों को इंग्लिश सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करना है, तो आप लोगों को स्टार्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने फ़ोन को कोई भी एक वाईफाई के माध्यम से कनेक्ट कर लीजिए। तो आप लोग देखिए, कनेक्ट करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट बटन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग देखिए, आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ टिक करना है। टिक करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग देखिए, चेकिंग फॉर अपडेट, तो आप लोग देखिए चेकिंग इन्फो, तो आप लोग देखिए वेरिफिकेशन यूआर अकाउंट, मतलब आप यहाँ पर से ही ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तो आपका फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिक FRP बाईपास हो जाएगा। तो हमारे पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड है नहीं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आप लोगों को बैक करके होम पेज पे आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को टॉप बैक ऑन करना है। होम बटन को आप लोग 4 और 5 बार टैप करने के बाद आपका टॉप बैक जो है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन मेरी डिवाइस में होम बटन का टॉप बैक वर्क नहीं कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, मैं बहुत बार होम बटन को प्रेस कर रहा हूँ लेकिन टॉप बैक ओपन नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को उस टाइम क्या करना है, आप लोगों को डिस्प्ले में 2 फिंगर रख के लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आप लोगों को डिस्प्ले में 2 फिंगर रख के लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो आप लोगों का ऑटोमेटिक टॉप बैक जो है वो ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आप लोगों को एल करना है। एल करने के बाद आप लोगों को जाना है टॉप बैक सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी नीचे की तरफ आ जाना है, थोड़ी सी ये जो देखिए सिंगल टैप एक्टिव, तो आप लोग इसको एक्टिव कर दीजिए। उसके बाद और एक बार एल करना है। टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग पर आप लोगों को ओपन करना है। उसके बाद सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच आप लोगों को सेटिंग ओपन करना है उसका, तो उसके बाद आप लोग देखिए सेटिंग फॉर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, इसको ओपन करने के बाद आप लोग देखिए 3.000.69, तो आप लोगों को इस पर टैप करते रहना है, तो आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी स्टोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो आप लोग देखिए, स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गैलेक्सी स्टोर जो है ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आप लोगों को पहले टॉप बैक को ऑफ करना है। अप डाउन बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। रखने के बाद आप लोगों को टॉप बैक ऑफ करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लोगों को ओके करने के बाद टॉप बैक ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों को सर्च बॉक्स पे टैप करके सैमसंग ब्राउज़र को टैप करना है। तो आप लोग देखिए सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, इसको आप लोग टैप कीजिए। टैप करने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग देखिए अलाउ एड डाउनलोड, मतलब आप सैमसंग ब्राउज़र को डाउनलोड कर रही है, तो आप लोग देखिए जब डाउनलोड स्टार्ट हो गया तो आप लोगों को कुछ देर इंतज़ार करना है। तो आप लोग देखिए अभी ये जो है इंस्टॉल भी हो रहा है। मैं इस टाइम वीडियो को थोड़ी कट कर दिया, तो आप लोग देखिए आप लोगों का प्ले वाला आइकन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, आप लोगों को मोर पे टैप करना है, कॉन्फर्म टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को नो थैंक्स पे टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को गूगल पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को गूगल ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टैप करना है सैमसंग FRP बाईपास, आप लोगों को टैप करना है FRP बाईपास। आ जाने के बाद पहला वाला साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को थोड़ी सी स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। आ जाने के बाद आप लोगों को एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसका नाम है गूगल सेटिंग। गूगल सेटिंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है, तो आप लोग देखिए अभी मैं डाउनलोड किया। आप लोग देखिए गूगल सेटिंग को, तो मैं अभी इसका 3i पे टैप करता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ। तो आप लोग देखिए गूगल सेटिंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करना है, उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद आप लोगों को सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग कहाँ पर, आप लोग देखिए ओपन पे टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो सेटिंग है वो ओपन हो जाएगा। हो जाने के बाद आप लोगों को लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी पर टैप करना है। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी यहाँ पर टैप करने के बाद आप लोगों को टैप करना है अदर सिक्योरिटी सेटिंग पर, अदर सिक्योरिटी सेटिंग। उसके बाद आप लोगों को टैप करना है एडमिन डिवाइस, तो आप लोग देखिए डिवाइस एडमिन पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोग देखिए माई डिवाइस पे टैप करना है, उसको आप डीएक्टिव कर दीजिए। आप लोग देखिए इसको डीएक्टिव कर देने के बाद बैक आ जाना है। बैक और एक बार बैक आ जाने के बाद आप लोगों को ऐप पे जाना
आना है। ऐप पे जाने के बाद ओपन हो रहा है ऐप, तो हो गया। तो आप लोगों को जाना है गूगल प्ले सर्विस, तो आप लोग देखिए गूगल प्ले सर्विस को टैप करना है। टैप करने के बाद डिसेबल को आप लोग इस ऐप को डिसेबल कर दीजिए, बस आपको बैक करना है। तो आप लोग देखिए ये ऐप डिसेबल हो गया बैक। तो आप लोगों को जाना है कहाँ पर, स्टोरेज पर। स्टोरेज कहाँ पर है तो आप लोग देखिए यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट, तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टोरेज, स्टोरेज का ऑप्शन पे टैप करना है। ऊपर आप लोगों को थ्री आई देख सकते हैं, थ्री डॉट, तो वहाँ पर टैप करके स्टोरेज ओपन करना है। आप लोग एक्सपोर्ट देख सकते हैं, लास्ट में एक्सपोर्ट पे टैप करना है। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड फोल्डर जो है डाउनलोड, डाउनलोड पे टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को गूगल सेटिंग को टैप करके इसको आप लोग अलाउ करके नेक्स्ट करना है। तो आपका जो गूगल सेटिंग एफ ए वो इंस्टॉल हो रहा है। तो आप लोग देखिए इंस्टॉल हो जाने के बाद आप लोग को डन, डन को टैप करना है। डन को टैप करने के बाद बैक करना है, बैक 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 बैक। तो आप लोगों को जाना है कूल्ड एंड अकाउंट पे, तो आप लोग देख सकते हैं कूल्ड एंड अकाउंट पे जाना है। आप लोगों को अकाउंट पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों को ऐड अकाउंट पे टैप करना है। उसके बाद आप लोगों को गूगल अकाउंट पे टैप करना है। तो आप लोग देखिए जस्ट ए सीन, तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी मेल एंड पासवर्ड डाल देनी होगी। आपके पास हो कोई भी मेल एंड पासवर्ड डालना होगा, एनी मेल एंड पासवर्ड। तो मैं अभी, मेरे एक मेल था उसको मैं अभी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गया है। तो GMGMAL, तो आप लोग देखिए IL, तो हो जाने के बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये अपडेट हो रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को हाइड करके रखा। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ इसलिए हाइड करके रखा। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आप लोग को बैक करके ये जो है नेक्स्ट पे टैप करना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आप लोग देखिए ये आ गया। आप लोगों को और एक बार नेक्स्ट पे टैप करना है। तो आप लोग देखिए आई एम एग्री पे टैप करना है, आई एग्री को जो कोई भी है। तो आप लोग वहाँ पर टैप करने के बाद आप लोग देखिए आपका अकाउंट जो है ऐड हो गया। हो जाने के बाद बैक करना है, बैक। तो आप लोगों को वो जो ऐप आप डिसेबल किया था, आप लोगों को सिक्योरिटी जाना है। उसके बाद अदर सिक्योरिटी में जाना है। गूगल एडमिट ऐप को आप लोग एक्टिव कर दीजिए। कर देने के बाद आप लोगों को और एक बार बैक करके ऐप पे आ जाना है। ऐप पे आ जाने के बाद आप लोग को गूगल प्ले सर्विस इसको आप लोग इनेबल कर दीजिए। तो आप लोग देखिए इनेबल हो गया। तो हो जाने के बाद अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। मतलब आप पहले जो ऐप को डीएक्टिव और डिसेबल किया था, तो जीमेल आईडी ऐड कर देने के बाद आप उस ऐप को एक्टिव एंड इनेबल कर दीजिए। तो फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना है, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच सके। तो आप लोग देखिए ओपन हो गया है फ़ोन। हो जाने के बाद आप लोगों को स्टार्ट पे टैप करना है। सॉरी, आपको पहले टॉप बैक ऑफ करना है। आप लोगों को अप डाउन बटन को प्रेस करके रखना है। रखने के बाद आप लोगों को टॉप बैक ऑफ करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। आ जाने के बाद आप लोगों को ओके करके टॉप बैक ऑफ कर दीजिए। उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को आ जाएगा। तो मैं पहले वाईफाई को सेटिंग किया है, इसीलिए अभी आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग को सब कुछ टिक को अलाउ कर देने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग देखिए चेकिंग फॉर अपडेट। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी टाइम लेगा, आप इंतज़ार करना है। तो आप लोग देखिए हम लोग जो मेल आईडी दिया था वो ऐड हो गया। ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग देखिए गेट अकाउंटिंग इन्फो। आप लोग यहाँ पर कुछ देर इंतज़ार करना है, जस्ट ए सीन। तो क्या आता है तो आप लोग देखिए हमारा जो FRB था वो बिल्कुल रिमूव हो गया। तो आप लोगों को नो थैंक्स पे क्लिक करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो ब्लू टिक वे है उस आपको ऑफ कर दीजिए। तो आप लोग ऑन भी रख सकते हैं, तो मैं ऑफ कर दिया। तो आप लोग देखिए अब अपडेट आ रहा है। तो आप लोग देखिए सैमसंग अकाउंट को आप लोग ये देने की कोई ज़रूरत नहीं, स्किप करना है। तो आप लोगों को फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद आप लोग देखिए हमारा जो सैमसंग J56
का FR भी था वो बिल्कुल रिमूव हो गया बहुत आसानी से, आप लोग भी बहुत आसानी से रिमूव कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को सेटिंग ओपन करके इसका एंड्रॉयड भाषण कितना है मैं इसको चेक करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देखिए इसको टैप किया, टैप करने के बाद आप लोग देखिए 7.1.1 है इसका नोकाट भाषण है। तो मैं बैक करता हूँ, तो फ्रेंड बाय चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।